वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो है मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी, जो कि 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। सो क्रीमी, सो यमी, आप घर पे बनाएं, बाजार से लाना भूल जाएं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। 2 मैंगो लिए हैं बड़े साइज़ के और इनको मैंने छिलका उतार के काट लिया है। अब मैं इनको डालूंगी ब्लेंडर में और इनको ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से, और ब्लेंड करके ये जो बन जाएगा वो मैंगो प्योरी होगी जो कि हमने आइसक्रीम के अंदर यूज़ करनी है। कोई मैं आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं यूज़ करूंगी, सिर्फ मैंगो प्योरी यूज़ करूंगी जिससे मैंगो आइसक्रीम क्रीमी बनेगी। ठीक हो गया, ये 1 कप मैंगो प्योरी हो गई। अब हमने लिए 2 मिल्क पैक के पैकेट्स, ये 200 ml के हैं। इनको मैंने डाला, ये चिल्ड होने चाहिए, फ्रीज नहीं होने चाहिए, और मैंने इनको करना है बीच। ठीक है, 10 मिनट्स के लिए आपने मीडियम स्पीड के अंदर इनको बीच करना है। इस क्रीम को आपने हाई स्पीड नहीं रखनी, आपने मीडियम स्पीड के अंदर आपने इसको बीच करना है। फॉर द 10 मिनट्स काफ़ी हो जाएगा, तो इसको अच्छे से आप लोगों ने 10 मिनट के लिए बीच करना है ताकि ये विप हो जाए, इसकी जो सॉफ्ट पीक्स हैं वो बन जाए। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, और मुझे ज़रूर बताया करें कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कौन सी लेके आऊँ। सो यस, ये देखें जी, पीक्स बन गई और ये अच्छे से बीट हो गई। अब ये कंडेंस मिल्क है जिसकी बनाना मैं आपको सिखा चुकी हूँ, रेसिपी चैनल पे मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपने सीख लेना है। 1 कप कंडेंस मिल्क है होममेड, आपने इसको डालना है व्हिपिंग क्रीम के अंदर, पूरा 1 कप है, और इससे मीठा बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो मैंगो प्योरी में भी आप डाल सकते हैं। तो इसको भी आपने मीडियम फ्लेम के अंदर ही 2 मिनट के लिए अच्छे से व्हिपिंग क्रीम के अंदर मिक्स कर देना है, और अच्छे से आपने को बस मिक्स करना है, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। उसके बाद ये वही जो मैंगो प्यूरी भी बनाई थी ये हमने आधी आधी करके इसके अंदर डालनी है, और इसको बस इतना मिक्स करना है कि ये मिक्स हो जाए, ओवर मिक्सिंग आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप न्यू हैं, और कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। सो ये हो गया, अब इसको मैंने ये एयर टाइट बाउल लिया और इसके अंदर डाल दिया, और अब इसका मैं ढक्कन लगा दूँगी, एयर टाइट होना चाहिए। और आप इसको 1 दिन के लिए या 8 घंटे के लिए फ्रिज में रखें और आप लोग खा सकते हैं इसको। तो ये देख लें, सही तरीके से टाइट तरीके से आपने रखनी है ताकि इसमें कोई एयर इनकॉर्पोरेट ना हो। सो 1 दिन के बाद ये देखें जी, क्रीमी टेक्सचर वाली आइसक्रीम जो है वो बन चुकी है। अब इसको मैं ये देखें आपके सामने कर रही हूँ, और ये बिल्कुल क्रीमी थी और बहुत सॉफ्ट थी, ईजिली जो है टूट रही थी। तो ये फाइनल लुक है, एक्स्ट्रा क्रीमी, यमी, 10 out of 10 टेस्ट, सो क्रीमी। आप लोग बनाएं, आप लोग बाज़ार से लाना भूल जाएंगे, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं, बहुत इजी तरीके से बनेगी। तो ज़रूर ट्राई करना है और ज़रूर फीडबैक देना, मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लगी, कमेंट ज़रूर किया करें और बताया करें कि नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हैं कि मैं कौन सी बनाऊँ। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए आपकी फरमाइश के मुताबिक वीडियोस लाऊँ। सो प्यार दिखाना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर of yourself. Allah Hafiz.